हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल जो है करवा चौथ है, तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन शुरू कर देती है लेडीज़। तो जो प्रिपरेशन मेरे घर में होने वाली है या हम लोग करने वाले हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप बने रहिए मेरे साथ, आज करते हैं करवा चौथ की तैयारियाँ। ये देखो भाई, बाबू जी को मेहंदी लगा दी है मैंने। कमेंट करके बता रहे हैं कैसी लगी है। अभी और भी लगानी बाकी है। अभी एक हाथ पे लगी है, वो भी फ्रंट में, और बैक पे भी लगाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है। मेरी बेटी बीच बीच में रोने लगती है। तो गाइज, हमारी जो है करवा चौथ की तैयारी चल रही है काफी अच्छे से। मैंने भी मेहंदी लगा ली है। ये देखिए मेरी मेहंदी, और ये काफी सिंपल है। वो इसलिए क्योंकि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। ये इतनी छोटी है इसलिए मुझे थोड़ा सिंपल सा ही लगाना पड़ रहा है, ताकि क्योंकि बीच बीच में रोने लगती है, फिर इसको संभालना पड़ता है। एक हाथ पे तो अभी लगी नहीं है, बाकी भाभी जी ने बड़ी भरभरा के लगाई। ये देखो भाई, इन्होंने तो भरभरा के लगाई है, भरभरा के। और हम तो मजबूर हैं, हम नहीं लगा सकते। आप कमेंट करके बताना। ये राइट वाले हैंड पे मैंने लगाई है, लेफ्ट वाले पे इन्होंने खुद लगाई है, कौन सी अच्छी लगी? गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि हम बनाने वाले हैं आलू की टिक्की। मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं अपनी फैमिली को खिलाने वाली हूँ। तो आलू की टिक्की बनाई है, उसकी तैयारी चल रही है। आंटी जो है कुछ मसाले वसाले बना रही है पीस के। चलता है थोड़ा। ये बीरबानी लग गई है आलू छीलने में। आलू उबल चुके हैं, इन्हें छीला जा रहा है। भाई फैमिली के हिसाब से बन रही है, फैमिली बड़ी है तो आलू भी थोड़े ज़्यादा लगेंगे। और ये मेरे पहली बार ट्राई कर रही हूँ मैं, पता नहीं कैसी बनेगी। सबने बनवा ली तो मैं सोचूं मैं भी बनवा लूँ अपनी आईब्रो। तैयारी कर दी है, भाभी जी ने पाउडर वगैरह लगा दिया है। हम तो घर ही बनवा लेते हैं। हमारी भाभी जो है पार्लर वाली भाभी है, वो हमारी बना देती है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। ये देखिए भाई, फाड़ा तोड़ी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। ये हमारी पार्लर वाली भाभी अभी मुझे रुआने वाली, इस मुड्ढे पर कुदाने वाली। तो पूरा एहसास उठ गया, क्योंकि दो महीने बाद आईब्रो करवा रही हूँ मैं। महसूस हो रहे बाल आंखों पर पड़ते हुए, इतने बड़े बड़े हो रही है। वो तो रही नहीं, क्या बोल लूं? देखे यार, दिया ये क्या बोल रही है? कोई भी बहन आईब्रो ना बनवाइयो, पार्ट दी। ये देखिए भाई, करवा चौथ की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है। अब नंबर आ गया है रूबी बब्बी का आईब्रो बनवाने का। और वर्षा बब्बी ने अपने, मैंने आपको बताया था, दिन में ही फाड़ तोड़ लिया था। मतलब डेंटिंग पेंटिंग दिन में ही कर ली थी। और अब मेहंदी भी लगाएंगे। कब बनवाई थी? मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो। तो गाइस, आलू उबल चुके हैं, चटनी मैंने बननी रख दी है, छोले मेरे उबल के तैयार है। अब हम शुरू करते हैं इसे बनाने का खेल। और मुझे नमक कम लग रहा, आंटी नमक ला कर दो, नमक डाल लो, मिर्च डाल लो और मसाला। आंटी सफ़ेद नमक ला के दो, कम है। अब परिवार के हिसाब से बन रहा भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगेगा। एक चम्मच ला देना आटा डालने के लिए।
माय फर्स्ट टाइम, देखते हैं कैसी बनेगी मेरी टिक्की टिक्की टुक्की टिक्की टुक्की। और इन्हें बढ़िया और अच्छे स्वाद के लिए डाल देंगे काला नमक, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट। काला नमक डल चुका है। और भाई मुझे नहीं पता क्या आप लोग कौन से आटे से बनाते हैं, मैं बनाती हूँ चावल के आटे से। ये इसमें चावल का आटा ऐड कर लिया, थोड़ा सा और करेंगे, थोड़ा सा और करेंगे बस। अब इसे मैश कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। लो भाई मारी माई चाची को सूंग आ गई अभी आली टिक्की खान। हाँ भाई खाना खा के ही जावेगी आज तो। और मम्मी पता ना कहाँ कहाँ लो अंडा के लाई ने, बेचारी थकी आ रही है, सांस चढ़ी सांस फूल रहे, एक टिक्की फालतू खा ले सांस फूल रहे। एक पंच दो काज करी माई चाची, मेहंदी भी लगवाओगी। ले भाई हमने भी मसाला तैयार कर दिया, अब बनाते हैं जल्दी जल्दी। कर दिया भाई कर दिया चाची ने तो काम, के फर्क पड़ रहा हम ना मानते ये धक्के अनुसी विचार। लो भाई लगवा दी भाई, घोट दिया काम। अरे यहाँ मैडम जी लग चुकी है काम पे और साथ में मिर्ची भी बनवा रही है, तू बनवा रही है। अरे ये देखो यार 24 घंटे में तो 50 बार चाय पीती है औरत, या फिर आ गई चाय, ये खतरनाक महिला चाय बिना पी दो। और मैं भी लगती हूँ अपने काम पर, कितनी मस्त बन रही है यार, बावना बना रही है बनेगी तो ही। और ऊपर से कुछ पुराने हाथ भी शामिल है भारी। क्या बना रहे टिक्की बना रही थाली, ले आओ प्लेट अपनी अपनी, ये बना तो ले पहले, गरम गरम ही तो सर्व होगी। आधी तो बनाए तो जाओ जाग तो सारे बच्चों को बुला के लाओ, सारू को बुआ टिक्की बना। अरे बन तो पलट परी फुलानी धमकानी सारी उगले आओ, एक नंबर। ये इसमें दही डल गई, अरे चटनी भाई हमारी थोड़ी सी पतली रह गई, कोई जज नहीं करेगा। ये आ गई लाल चटनी, लाल चटनी। ये आएगा हमारा इसमें ब्लैक पेपर, वो सॉरी ब्लैक सॉल्ट। और ये आएगा हमारा इसमें चाट मसाला, और ये आएगी हमारी इसमें थोड़ी सी ऊपर से मिर्च मार के। और ये लो चम्मच, पेल दो जय माता। ये देखो भाई पार्टी लग चुकी है खाने पे, सारे बच्चे लगे पड़े। बच्चों कैसी बन रही टिक्की है, एक नंबर। अरे दादी का हाथ लग रहा है इसमें, पुराने हाथ लग रहे। हमारी मम्मी सर्व कर रही है, हमारे बच्चे लगे पड़े हैं खाने पे। खाओ 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 खूब खाओ, छको पेल दो। अवनी ने तो दो टिक्की खाई भाई साहब, अकेली नहीं। ये देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी बनी हुई है। ओ माय गॉड, ये देखिए बावली वाली ने चार खाए थे, चार बेटे। और बावली वाली कैसी लगी? तो गाइस टिक्की बन चुकी है और सब लोगों ने खा लिया, सबका रिस्पांस काफी अच्छा है। हालांकि मम्मी ने मुझे ज्यादा देर बैठने नहीं दिया बिकॉज ऑफ माई परहेज एंड ऑल, लेकिन मैंने चीज़ें मेरी बनाई हुई है, हेल्प सबने किया है और बहुत ही अच्छी बनी है। मैं ज़्यादा नहीं खा सकती थी, एक चम्मच मैंने भी ट्राई किया है, लेकिन बहुत अच्छी बनी है और सबने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। भाभियों ने मेहंदी लगवा ली है, अपना सारा काम हो चुका है। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ जो होगी करवा चौथ स्पेशल, तो देखना मत भूलना और इसे भी बिल्कुल देखना मत भूलना। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना। पुराने वालों तुम भी लाइक और शेयर कमेंट तो कर ही दो भाई। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलूंगी, बाय बाय।